अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स मार्किटिंग के लिए ये ज़रूरी है सक्सेसफुल मार्किटिंग के लिए कि आप मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करें जहाँ पे कस्टमर्स आर बी प्रोवाइड विद लॉट ऑफ ऑफरिंग्स और क्या वो कस्टमर की नीड्स को सेटिसफाई कर रही हैं या नहीं कर रही इसका एक क्लोज uh, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज जो uh, है बिटवीन क्रिएटिंग वैल्यू एंड ऑपटेनिंग वैल्यू इसको हम कहते हैं एक्सचेंज बुनियादी तौर पे एक्सचेंज इज़ द एक्ट ऑफ ऑप्टेनिंग ए डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम वन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न आप कुछ दे रहे हैं उसकी जगह कुछ हासिल कर रहे हैं हासिल क्या कर रहे हैं दैट कुड बी द सेल्स हासिल क्या कर रहे हैं बिल्डिंग एन इमेज हासिल क्या कर रहे हैं मे बी वोट्स अगर ये पोलिटिकल मार्केटिंग है तो. तो आप कुछ आ, एक पूरा प्रोग्राम बना के कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर के लिए और कस्टमर जो है उस आपकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर रहा है और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो देन there is a successful exchange going on between the company and the customer markets markets are the set of uh, actual and potential buyer of a product actual buyers those buyers who are convinced and who buy your products aapki goods hain aapki services hain, आप ऑफर कर रहे हैं बायर खरीद रहा है ठीक है ये आपका एक्चुअल बायर पोटेंशियल कौन है पोटेंशियल बायर वो बायर है जो कि इस वक्त तो कन्विंस्ड नहीं है इस वक्त तो आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा मे बी कॉम्पिटेटर की प्रोडक्ट बाय कर रहा है लेकिन अगर आप वैल्यू क्रिएशन करें अगर आप उसको कन्विंस कर सकें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ज़रिए तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल That you can convert him into a buyer. So he has the capacity to buy your product, but at the moment he is not buying. But he can be convinced and he could be converted into a customer. This is a potential buyer. So here we can see that there are suppliers. Suppliers supply chain ka hisa hai raw materials. सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स और मे बी द फिनिश प्रोडक्ट्स दे गो टू द कंपनी विच इज़ द सेकेंड स्टेप सप्लायर से रॉ मटीरियल कंपनी को जा रहा है कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है मैनुफैक्चरिंग कर रही है प्रोसेस कर रही है और जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है तो देन द प्रोडक्ट गोज़ टू द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज एंड हु द आर द इंटरमीडियरीज इंटरमीडियरीज बेसिकली मिडल मैन है मिडिल मैन कौन यानी होलसेलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर यानी रिटेलर और अल्टीमेटली थ्रू दीज इंटरमीडियरीज थ्रू दिस चेन ऑफ मिडल मैन द प्रोडक्ट रीच इज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर जिसने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए जो सप्लायर्स हैं वो आपके कॉम्पिटेटर्स को भी दे रहे हैं रॉ मटेरियल भी दे सकते हैं सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं ठीक है और इसी के साथ साथ आपके कॉम्पिटेटर जो हैं वो भी वेरियस इंटरमीडियरीज वेरियस मिडल को इस्तेमाल करके कंज्यूमर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ साथ एक और प्रोसीजर चल रहा है साइमल्टेनियसली बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर ये क्या है ये मार्केटिंग है जो कि मे बी प्रमोशन बेस्ड हो मे बी एडवर्टाइजिंग बेस्ड हो जिसके ज़रिए कंपनी इंटरेक्ट कर रही है कंज्यूमर के साथ ये सोशल मीडिया इंटरेक्शन भी हो सकती है ये मास मीडिया इंटरेक्शन भी हो सकती है ये मेन स्ट्रीम मीडिया इंटरेक्शन भी हो सकती है जिसके ज़रिए जो कंपनी है स्पेशली इन टूडेज़ टाइम वन देयर इज़ कट थ्रॉट कॉम्पटिशन कंपनी कोशिश करती है कि कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करे और ना सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन पहुँचाए ना सिर्फ उसको मोटिवेट करे टर्ड्स इट्स प्रोडक्ट्स और उसको कन्विंस करे दैट हाउ दिस प्रोडक्ट्स आर बेटर दैन द प्रोडक्ट्स बींग ऑफर्ड बाई द कॉम्पिटेटर्स बल्कि इसके साथ साथ उनका रिस्पॉन्स फीडबैक उसको भी हासिल करती है एंड दिस ऑल इज़ गोइंग ऑन एंड इन एन एनवॉर्मेंट इन ए सिचुएशन वेर देर आर सो मैनीलिटीज

और डिस्ट्रीब्यूशन चेन के जरिए कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है बल्कि साथ साथ वो अपने कस्टमर से और अपने कंज्यूमर से वो इंटरेक्ट कर रही है और उससे इन टच भी है